प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि अर्थक्वेक आने का मुख्य रीज़न क्या है? क्या कारण है कि बार बार अर्थक्वेक, भूकंप जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो आ रहे हैं? इसका सबसे जो मेन रीज़न है वह है एनिमल्स का कत्लेआम। हम जीव जंतुओं को कत्ल कर रहे हैं, किसके लिए? लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, मीट को खाने के लिए। पर क्या आपको यह पता है कि उनके कत्लेआम से ही यह भूकंप आ रही हैं? द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक इज किलिंग ऑफ एनिमल्स। अब विचार करते हैं कि जानवरों के कत्ल का अर्थक्वेक से क्या संबंध है? व्हाट इज अ कोरिलेशन बिटवीन द किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड अर्थक्वेक? इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन है, क्यों? जब किसी जीव की हत्या की जाती है तो उसका जो पेन है वो इस पूरे वातावरण में समा जाता है, तथा उसकी जो एनर्जी है वो सब धरती के बीच में इकट्ठी हो जाती है, और उसी के चलते धरती में वेव्स उत्पन्न हो जाते हैं, वो कांपती है तो भूकंप आते हैं और लाखों लाखों लोग उसमें मर जाते हैं। अब कई लोग ये प्रश्न करेंगे कि कुछ तो शाकाहारी हैं, वो तो मीट खाते नहीं, तो वो भी इस भूकंप में मारे जाते हैं। तो इसके ऊपर मेरा आंसर ये है कि जो मीट नहीं खाते पर उनके सामने कत्ल तो हो रहा है, वो इसके खिलाफ कोई जंग तो नहीं कर रहे, कोई फाइट तो नहीं कर रहे, इसलिए उस में वो भी जिम्मेवार हैं। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ, कुछ दोस्त जो मेरे यूट्यूब पे हैं वो मीट जैसे निकृष्ट भोजन को लाइक करते हैं, और मैं उसको देखता हूँ, तो इस कारण भी हमारे जैसे शाकाहारी व्यक्ति भी असल में वो शाकाहारी नहीं है, वो जानवरों के हितैषी नहीं है, एनिमल्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे, इसलिए वो भी जिम्मेवार हैं। तथा अगर हम यह चाहते हैं कि इस नेचर में बैलेंस बने, अर्थक्वेक ना आए, तो आज से हमें एनिमल का कत्ल बंद करना होगा, कभी भी ना तो मांस खाना पड़ेगा, और दूसरों को भी हमें यह शिक्षा देनी होगी कि मांस खाने से कोई ताकत नहीं मिलती, शाकाहारी चीज़ों में दूध, मक्खन और सब्जियां, दालों में ही ताकत है, इसको ही खाया जाए। तथा लीव एंड लेट टू बी लीव, जियो और जीने दो की जो परंपरा थी उसमें विश्वास रखा जाए, तभी हम पूरे विश्व को भूकंपों से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जितने लेदर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हमें त्याग करना पड़ेगा, यदि हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन के ऊपर भूकंप का कहर ना हो, अर्थक्वेक ना आए। धन्यवाद।